दंतेवाड़ा की, जहां पर नक्सलियों ने बंद का आह्वान कर दिया है और पटरी उखाड़कर इस बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि इंजन समेत दो डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। कमालूर भांसी के बीच मालगाड़ी डिरेल हो गई है। किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग प्रभावित कर दिया गया है। तो नक्सलियों ने बंद का आह्वान करते हुए पटरी उखाड़कर इस बंद का आह्वान किया है, जिसके कारण जो है मालगाड़ी डिरेल हो गई है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है प्रशांत? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये पूरा मामला दंतेवाड़ा से जगदलपुर के बीच का है, जहां पर नक्सलियों ने जो है ट्रेन की पटरी को उखाड़ दिया। हालांकि कोई जनहानि जरूर नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है और काफी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से नक्सलियों ने आज एक दिन बंद का आह्वान किया है और आज पूरे दिन नक्सली जो है इस तरीके का उत्पात मचाने का प्रयास करते रहेंगे। और बीती रात की ये घटना है, जिस तरीके से नक्सलियों ने ट्रेन की पटरी उखाड़ दी थी और जो केके रेल मार्ग है वो मार्ग को बाधित कर दिया है पूरी तरीके से। और फिलहाल अभी जो रेलवे विभाग है वो वहां पर पहुंच चुका है और मरम्मत करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से पटरियां ट्रेन से उतरी हैं, पटरियों से ट्रेन उतरी है, कहीं ना कहीं समय जरूर लगेगा और इसके कारण एनएमडीसी जो लोएस्क प्लांट है उसको भी काफी नुकसान होगा। और जो बंद नक्सलियों ने आह्वान किया है वो बंद गढ़चिरौली महाराष्ट्र में जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे, उसके विरोध में नक्सलियों ने ये बंद का आह्वान किया और महाबंद का आह्वान किया है। और इस बार नक्सली कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में भी है और इसी तारतम्य में नक्सलियों ने पटरियां उखाड़ी है ताकि जो पुलिस और प्रशासन है उनका ध्यान जो है उस तरफ करके जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। जी प्रशांत, जिस तरह से खबर के अंदर हम ये पढ़ भी रहे हैं कि 25 से ज्यादा हथियार बंद थे ये नक्सली जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तो ये जो इलाका है जहां पर इन्होंने पटरी उखाड़ी है, क्या ये बहुत सुनसान रहता है? क्या ये आबादी से बहुत ज्यादा दूर रहता है? क्या इतनी तादाद में यहाँ पर ये पहुंचे और पुलिस प्रशासन की इन पर नजर नहीं पड़ी, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो इलाका जो जहां पर ये घटना हुई है वो इलाका सुनसान बिल्कुल रहता है और क्योंकि बस्तर है और बस्तर में पूरा इलाका जो है अंदरूनी इलाका जंगलों से भरा हुआ है और उन जंगलों में जो है लगातार पुलिस गश्त जरूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नक्सली भी रहते हैं वो भी रैकी लगातार करते हैं कि जब पुलिस उन इलाकों में ना रहे उस दौरान जो है पुलिस के एब्सेंस में नक्सली वहां पहुंचते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, सुनसान इलाका है और कामलूर तो एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार नक्सली इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 5 से 6 बार नक्सली इससे पहले भी उन इलाकों में पटरियों को उखाड़ कर ट्रेन को डिरेल कर चुके हैं और ये 6वीं बार जो है दोबारा से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और महाबंद को सफल बनाने के लिए नक्सली लगातार जो है आज उत्पात मचाने का प्रयास करते रहेंगे। जी प्रशांत, आपका धन्यवाद। तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि दंतेवाड़ा की यह खबर है जहां नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है और पटरी उखाड़ कर मालगाड़ी को डिरेल कर दिया है। आपको बता दें किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग प्रभावित हो गया है, रेल आवागमन बाधित हो गई है। कमालूर भांसी के बीच मालगाड़ी डिरेल कर दी गई है। आपको बता दें मालगाड़ी के 3 इंजन और 2 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए हैं।